पांच राउंड में ही मोदी 310 तक पहुंच चुके हैं। 400 के लिए बचे सिर्फ 90 बस, तो क्या 4 जून को मोदी सच में 400 प्लस? 428 सीटें लॉक हो चुकी हैं, 115 सीटें लॉक होनी बाकी हैं, मगर उससे पहले ही मोदी ने 4 जून का रिजल्ट कैसे अनलॉक कर दिया है? क्या शुरुआती 2 चरणों में इंडी वाले पस्त, अगले 2 चरणों में ध्वस्त, और क्या 5वें चरण में ही परास्त हो गए? सच में मोदी 400 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, और क्या नतीजे से 2 हफ्ते पहले ही 310 सीटों का आंकड़ा टच कर चुके हैं? अमित शाह के दावे में कितना दम? अगर अमित शाह की रिपोर्ट सही है तो फिर 6ठे और 7वें चरण की 115 सीटों में से 400 के लिए मोदी को चाहिए 90 सीट। 115 में से 90, ये बहुत टफ टास्क है, मगर क्या ये संभव हो पाएगा? मोदी ने इन 115 सीटों के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है? 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर प्रहार होगा, मोदी ने ये ललकार क्यों दी है? 4 जून को कौन रिटायर होने जा रहा है? वोटर्स किसे अगले 5 साल के लिए बेड रेस्ट पर भेजने वाले? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी? फेस की बची हुई 115 सीटों के लिए मोदी ने बिल्कुल नया, बहुत अग्रेसिव नैरेटिव दे दिया है।